परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से संपूर्ण ऑटोमेटिक ऑटो लेक्चर बेल आणि ऑटो राष्ट्रगीत प्लेयर सिस्टीम शाळा कॉलेज साठी अत्यंत उपयुक्त उत्पादक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDC वाई फ्री डेमो साठी संपर्क 98 222 41 255। हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी कंपनी में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड IT डिपार्टमेंट के लिए डबल साइडेड PCB यूज करके एक्सपेरिमेंटल बोर्ड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये बोर्ड्स डेमो वीडियो लिंक और एक्सपेरिमेंटल चार्ट के साथ सेल किए जाते हैं। साथ ही साथ हमारी कंपनी में रास्पबेरी पाई 3 मॉडल बी का ट्रेनिंग मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया है। आज मैं आपके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट लेकर आई हूँ, जिसका नाम है ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स बाय यूजिंग रास्पबेरी पाई। इसमें मैं आपको इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताऊंगी और इसका प्रोग्रामिंग कोड एक्सप्लेन करूंगी। तो मैं हूँ अंकिता, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDC वाई। हमने आज तक लगभग 211 एजुकेशनल वीडियोस बनाए हैं। ये वीडियोस साइंस कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए काफ़ी यूजफुल है। ये वीडियोस एंड तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल बटन प्रेस करें, ताकि हमारा अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर देखते हैं ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स बाय यूजिंग रास्पबेरी पाई का डेमो। तो ये है ट्रैफिक लाइट सिग्नल बाय यूजिंग रास्पबेरी पाई का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये है रास्पबेरी पाई 3 मॉडल बी का बोर्ड। यहाँ पर 5 वोल्ट DC पावर सप्लाई एडाप्टर के थ्रू दिया गया है और यहाँ पर HDMI पर केबल मॉनिटर पर कनेक्ट की है। तो ये है मॉनिटर और यहाँ पर कीबोर्ड और माउस के ट्रांसमीटर को USB पर कनेक्ट किया है। ये है कीबोर्ड और ये है माउस। ये एक मिनी ब्रीड बोर्ड है। यहाँ पर हमने 3 LEDs को कनेक्ट किया है, रेड, येलो और ग्रीन। 3 LEDs के कैथोड को हमने ब्लैक वायर के साथ रास्पबेरी पाई के ग्राउंड पर, मतलब बोर्ड पिन नंबर 6 पे कनेक्ट किया है। और यहाँ पर हमने रेड LED के एनोड पर रजिस्टर, जिसकी वैल्यू 100 ओम है, रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल को कनेक्ट किया है और रजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल को वायर के साथ GPIO पिन नंबर 16 और बोर्ड पिन नंबर 36 पे कनेक्ट किया है। यहाँ पर हमने येलो LED के एनोड पर रजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल कनेक्ट किया है और रजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल को हमने GPIO पिन नंबर 18 और बोर्ड पिन नंबर 12 पे कनेक्ट किया है। और हमने यहाँ पर ग्रीन LED के एनोड को रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल पे कनेक्ट किया है और रजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल को हमने ग्रीन वायर के साथ GPIO पिन नंबर 17 और बोर्ड पिन नंबर 11 पे कनेक्ट किया है। तो यह था इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम इसका वर्किंग देखते हैं। ये रास्पबेरी पाई के ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस स्क्रीन है। फर्स्ट मैं यहाँ पर रास्पबेरी पाई के आइकॉन पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पर प्रोग्रामिंग में जाती हूँ। यहाँ पर जीनी और थोनी, ये दोनों मेन्यू हैं। थोनी लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज दोनों ही सेम है। बिगिनर्स के लिए थोनी लैंग्वेज अच्छा है, इसलिए मैं थोनी पे क्लिक करती हूँ। तो ये प्रोग्रामिंग पेज खुला। मैंने पहले ही ट्रैफिक लाइट सिग्नल यूजिंग रास्पबेरी पाई का जो प्रोग्राम है यहाँ पर टाइप करके रखा है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट लाइन, फ्रॉम GPIO 0 इम्पोर्ट LED। हमने GPIO की लाइब्रेरी का यूज़ किया है और यहाँ पर हमें LED का फंक्शन लिया है। अब हम सेकेंड लाइन देखते हैं, इम्पोर्ट टाइम। यहाँ पर हमें ट्रैफिक लाइट सिग्नल के LEDs रेड, येलो और ग्रीन के अलग अलग, ग्रीन को अलग अलग टाइम पे ऑन या फिर ऑफ करना है, इसलिए हमने यहाँ पर टाइम फंक्शन का यूज़ किया है और इसलिए हमने यहाँ पर इम्पोर्ट टाइम ऐसे लिखा है। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं, रेड इज इक्वल टू LED 16। यहाँ पर हमने रेड एलईडी को ऑन करने के लिए GPIO पिन नंबर 16 को कनेक्ट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 16 ऐसे लिखा है। फिर हमने यहाँ पर येलो LED को ऑन करने के लिए येलो LED को GPIO पिन नंबर 18 के साथ कनेक्ट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 18 ऐसा लिखा है। और फिर हमें यहाँ पर ग्रीन LED को GPIO पिन नंबर 70 के साथ कनेक्ट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर 70 ऐसा लिखा है। यहाँ पर रेड डॉट ऑन ऐसे लिखा है, मतलब रेड LED को ऑन करने के लिए हमने यहाँ पर ऐसा फंक्शन लिखा है। टाइम डॉट स्लिप 3,
रेड एलईडी को 3 सेकेंड के लिए ऑन करना है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा है। फिर उसके बाद रेड डॉट ऑफ, इसका मतलब रेड एलईडी ऑफ करने के लिए हमने ये फंक्शन लिखा है। फिर हम देख सकते हैं येलो डॉट ऑन, येलो एलईडी को ऑन करने के लिए हमने यहाँ पर ये फंक्शन लिखा है। और टाइम डॉट स्लिप टू, मतलब येलो एलईडी को हम येलो एलईडी 2 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएगा। और फिर येलो डॉट ऑफ, येलो एलईडी को ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पर ये फंक्शन लिखा है। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन डॉट ऑन, ग्रीन एलईडी को ऑन करने के लिए हमने यहाँ पर ये फंक्शन लिखा है। फिर टाइम डॉट स्लिप 3, मतलब ग्रीन एलईडी 3 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएगा। और फिर ग्रीन डॉट ऑफ, इसका मतलब ग्रीन एलईडी को ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पर ये फंक्शन लिखा है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम ये प्रोग्राम रन करेंगे तो ये रेड एलईडी 3 सेकेंड के लिए ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, और येलो एलईडी 2 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएगा और फिर ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद ग्रीन एलईडी 3 सेकेंड के लिए ऑन हो जाएगा और फिर ऑफ हो जाएगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एलईडीज ऑन हो रहे हैं और फिर ऑफ हो रहे हैं। हम ये फिर से देख सकते हैं, मैंने प्रोग्राम को रन किया, तो ये प्रोग्राम ये तीनों एलईडीज को एक ही बार ऑन ऑफ करने के लिए था। अब इन तीनों एलईडीज को कंटिन्यूसली ऑन ऑफ करने के लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे, तो इसमें हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पर व्हाइल ट्रू ऐसा लिखती हूँ, तो मैंने यहाँ पर व्हाइल ट्रू ऐसा लिखा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे, पर देख सकते हैं मैंने प्रोग्राम को रन किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एलईडीज एक ही बार ऑन होने के बाद कंटिन्यूसली ये ब्लिंक होते जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमने व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये तीनों एलईडीज कंटिन्यूसली ब्लिंक होते रहेंगे। तो ये था इसका वर्किंग। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें कोई भी डाउट या फिर सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाई आयोजित 6 दिवसांचं प्रैक्टिकल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्युटर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। पात्रता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटरचे शिक्षण आवश्यक, बीई डिप्लोमा बीएससी एमएससी झालेल्यांसाठी उपयुक्त। या ट्रेनिंग मध्ये भरपूर प्रॅक्टिकल सह मुलाखतीची तयारी करून घेतली जाते, ज्यामुळे जॉब मिळणं सोपं जातं। ट्रेनिंग साठी संपर्क डॉक्टर ढेकळे, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एमआयडीसी वाई, मोबाईल 98 222 41 255।